Abdülkadir. Gelinin adı ne? Nur Abdurrahman. And Allah helps those who help themselves. And Allah is strong, mighty, and merciful. तुमने उनका नाम क्या रखा? नूर. नूर means रोशनी, सफेद रोशनी, पाकीज़ा, उजली हुई. नेल का भी तो यही मतलब है ना. और तुम जानती हो, मेरी जिंदगी में रोशनी की तरह आई है. एक ऐसी रोशनी जिसे मैं न जाने क्यों अंधेरों में फेंक रहा था. ऐसी रोशनी जिसने मेरी जिंदगी के सारे रास्ते, सारी मंजिलें वाज़ेह कर दी. तुमसे पहले मैं बहुत भटका हुआ था नैल, गुनहगार था. तुमने मुझे अंधेरों से निकाला. हमने कभी भी तुमसे तुम के बारे में नहीं पूछा है क्यों तुम हमको अपने बारे में बताओ. क्या जानना चाहती हो? सब कुछ. तुम हमको सब कुछ बताओ और अगर तुम बुरा ना मानो तो हम अपना आंखें बंद कर लें. अब्दुल कादिर हूं.
बचपन से लेकर आज तक कभी माँ का प्यार नहीं मिला। जब जब उनके करीब जाने की कोशिश की उन्होंने मुझसे दूर ही धकेला। कभी बोर्डिंग, कभी हॉस्टल, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के उनसे दूर आकर यहीं रह गया। बस तुम सुन रही हो ना नेल? नेल, नेल, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात कर रहे हैं आप आगा साहब? आपके बगैर किस तरह से महफिल जमेगी? नहीं, फॉरेन टूर्स पे तो आप जाते रहते हैं ना, मेरी बर्थडे तो साल में सिर्फ एक बार आती है। ये कह के तो आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया। मेरे लिए आपका आना ही सबसे बड़ा तोहफा है। खैर, अब तो सहना ही पड़ेगा। हाँ, बस आइंदा आपकी गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ओ, ये कौन सी टाई पहन ली? मैंने टाई निकाल के रखी थी ना अपने कपड़ों से मैच करती हुई। मेरा आपसे कुछ भी मैच नहीं होता। इतने सालों में आपको ये भी अंदाजा नहीं हुआ? वाकई इंसान की अपीयरेंस बदल सकती है लेकिन उसकी रूह नहीं बदलती। मैंने तो अब ये कोशिश ही छोड़ दिया है। कोई फायदा नहीं ऐसी कोशिश का। आवाज देकर देख लें, ये ना हो कि ये उम्र रायगा गुजर जाए। किसको आवाज दे लूं मैं उम्र के इस हिस्से में? बहुत से लोग हैं, ये अपने आवाज साहब को ही ले लें। उसे आपने अभी भी चाम है, ऐसा चाम कि लोग चलते हुए सड़क पर रुक जाए और आकर आपके कदमों में बैठ जाए। ये तारीफ हो रही है या तंस? आज के दिन इसे तारीफ समझे, क्योंकि मैं आपसे कोई बदमजगी नहीं चाहता। ओह नाइस, थैंक यू। वाह, और ये जो आगा साहब जैसे लोग हैं ना, इनसे दोस्तियां किसी मकसद की खातिर की जाती हैं। आप इनकी कदर करें, ये आपकी कदर करेंगे। ये जिंदगी, ये दुनिया कुछ दो और कुछ लोग के उसूल पर चलती है। क्या समझाना चाह रही हैं आप मुझे? जो आप पिछले 28 साल से नहीं समझे। तो फिर इस कोशिश को तरक्की कर दे। क्या आदत सी हो गई, कपड़े बदल। और बेटा तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक आंटी। और क्या हो रहा है आजकल? बस MBA का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। आज आपकी एनिवर्सरी है या बर्थडे? ओह रियली, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कादिर का क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, ऐसे काफी अरसा हो गया उसको गए हुए, कब वापस आ रहा है? अभी पढ़ाई में मसरूफ है, जब मुकम्मल हो जाएगी ना तो आ जाएगा।
अरे तुम लोगों को कुछ नहीं दिया ना उसने, ड्रिंक वगैरह मैं अभी भिजवाती हूँ, बैठो। वंडरफुल पार्टी, अरेंजमेंट इज रियली गुड। थोड़ा सा आज अरेंजमेंट जरा कम हुआ, लेकिन आई एम ग्लैड यू लाइक इट। लेकिन एनीवे वेरी गुड, थैंक यू। उदास अब्दुल कादिर के लिए। उदासी से ज्यादा मुझे परेशानी है, जब से मैं मिलके आई हूँ उस वक्त से तो परेशानी। और आज के दिन तो उदासियां और परेशानियां छोड़ो, 2 साल हो गए उसे गए और एक बार मिली हूँ। इस मुलाकात के बाद तो मैं और ज्यादा मायूस हो गई। उसकी शादी ने तो मुझे तोड़ कर रख दिया है सदीकी, अभी तो उसकी शादी का किसी को इल्म नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, अब हमारी उम्र कहाँ गई, हम तन्हाइयां तलाश करते फिरे। कम ऑन, आप लोग दोनों अभी भी न्यूली मैरिड लगते हो। अरे शफक, आपने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया ये कह के। मैं सच कह रही हूँ सिद्दीकी भाई। भाई आप ऐसा कीजिए कि आप सिर्फ पार्टीज में ना आया करें, आप बल्कि रोज आया करें, ऐसी बातें अगर आपने करनी होती है तो। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम पापा। ये कौन है सिद्दीकी साहब? पूरा दहशतगर्द लग रहा है। इसे क्या हुआ है? ये सिद्दीकी साहब का बेटा है। मीरा तुम्हें बहुत मुबारक हो। मम्मा ये कौन है? मम्मा ये भैया है, अब्दुल कादिर भैया। हाँ शायद। पूरा दहशतगर्द लग रहा है बेचारी मीरा। क्यों क्यों करता है वो मेरे साथ इस तरह से? क्या मेरी जिंदगी में अब्दुल कादिर के हवाले से कोई खुशी नहीं है? जब भी मैंने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा, कोई उम्मीद बांधी, उसने कभी मेरी वो सोच, मेरी वो उम्मीद पूरी नहीं की। मैं क्या करूं? मीरा प्लीज काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। कैसे काम डाउन, कैसे ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। मैंने इसलिए उसे लंदन भेजा था कि वो एक मुल्ला एक मौलवी बन के वापस आ जाए। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। संभालो प्लीज अपने आप को। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? देखा था ना पार्टी में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे उसके मुतालिक। जानता हूं। कभी सोच भी नहीं सकती थी जिस माजी को मैं दफन कर चुकी हूँ वो यूं जिंदा होकर मेरे सामने आ जाएगा। सारी जिंदगी मैंने अपने आप को, अब्दुल कादिर को, आपकी क्लास, आपकी जहनियत, आपके माँ बाप की सोच से बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। सब कुछ जमा होकर मेरे सामने आ गया। बहुत नादान थी मैं, बहुत बेवकूफ। मैं नहीं जानती थी कि लाशोर में पड़ी हुई चीजें हालात और वाकयात से दब तो जाती हैं, लेकिन खत्म नहीं होती, फिर से सामने आ जाती हैं। बहुत खुश हो ना तुम? मीरा हार गई। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अब्दुल कादिर को अपने आप को मेरे मुताबिक ढालना होगा, बस। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड है जिसने तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दिया। प्लीज मेरा, दुनिया को दूसरे के जाविये से भी देखने और परखने की कोशिश किया करो। मैं जानती हूँ कि आपके चेहरे पर फैला हुआ सुकून, ये इत्मीनान, ये क्या कह रहा है कि तुम दिल दिल में मुझ पे हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा, है ना? तुम अपने हवास में नहीं हो।
क्या? उठो इधर। ऐसा नहीं हो सकता कि जब मैं उठूं तो मुझे पता चले कि ये सब कुछ एक भयानक ख्वाब था और ये सब बदल चुका है। Come in. खान सामा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। दूध कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। आपके जाने से बहुत उदासी हो गई थी। आई एम वेरी हैप्पी कि अब आप वापस आ गए। मुझे भी बहुत खुशी हुई वापस आकर, और दूध के लिए शुक्रिया। आप पुराना रूटीन भूले नहीं। कैसे भूल सकता हूँ बाबा, बचपन से लेकर आज तक कितने साल हो गए इसी रूटीन पर। थैंक यू वेरी मच। अब आप थक गए होंगे, आराम कीजिए। बाबा जी। जी। मेरे कमरे में जानमाज नहीं है, एक जानमाज ला दीजिए। अच्छा मैं लेकर आता हूं। आप लोग कब आए? हम अब्दुल कादिर से मिलने आए। कितने बरस हो गए हमने उसे नहीं देखा। 4 साल का था जब हम उसे छोड़कर गए थे। तो यूं कहिए, अब्दुल कादिर की मोहब्बत खींच लाई है आप लोगों को। मोहब्बत उन्हीं लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो उसकी कदर करते हैं। खैर, अब्दुल कादिर यहाँ नहीं है। नहीं है अब्दुल कादिर यहाँ? मगर हमें तो पता चला था कि वो यहाँ नहीं है। अमीरुन्निसा, झूठ मत बोलो, जाओ बुलाओ अब्दुल कादिर को। मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है, मैं उसे इंग्लैंड भेज चुकी हूँ पढ़ने के लिए। दादी जान, दादाजी, अब्दुल कादिर। दादी, मेरा बच्चा। अमीरुन्निसा, तुमने तो कहा था कि अब्दुल कादिर यहाँ नहीं है। कैसे हैं आप लोग? बेटा बहुत उदास, बहुत अकेले हैं। अब आप परेशान मत हो, तब मैं आ गया हूँ। आप लोग कभी तन्हा और अकेले नहीं होंगे। बहुत तन्हा है तुम्हारे बगैर। चलिए रुको अब्दुल कादिर, रुको, रुको अब्दुल कादिर, रुको, रुको अब्दुल कादिर, रुको। मेरा? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। I'm okay. सो जाओ। कोई ख्वाब देखा था, सो जाओ। I'm all right. अरे माली बाबा। सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। अरे आपका बेटा नासिर कैसा है? अब तो स्कूल जाता होगा। सब ठीक है, मगर वो स्कूल नहीं जाता। हमने उसके यहाँ मैडम जी के यहाँ काम पे रखवा दिया। मैडम जी ने हमारे पर बहुत मेहरबानी की है। वो खान सामा जी के साथ किचन में मदद करता है। और जब मैं गया था उस वक्त वो स्कूल जाता था? तब जाया करता था, मगर अब हमने उसको हटा लिया स्कूल से। लेकिन क्यों? सब इतनी महंगाई है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते,
फिर तालीम पे तो खर्चा ज़्यादा होता है ना, तो सब अब मैं चलूँ मैडम जी नाराज़ हो जाएगी मुझे काम करने। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा आज आप बहुत जल्दी उठ गए। हाँ वो फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने गया था, फिर बाद में जॉब के लिए चला गया। तुम हमेशा पानी खड़े होकर क्यों पीता है? क्यों? खड़े होकर पानी पीने से पानी का मजा खराब हो जाता? No, but I've always heard के तुम लोगों के प्रॉफिट ने कहा है कि पानी बैठ कर पीना चाहिए। खान साहब मुझे क्लास दीजिएगा जरा। जी जी। ये लीजिए। शुक्रिया बाबा। एक बात कहूं आपसे? कहिए। आप बहुत बदल गए हैं। अच्छा अच्छा ये बताइएगा कि मामा बाबा कब उठेंगे? कल भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, मैंने तो मामा को विश तक नहीं किया। वो भी बस अभी उठने ही वाले होंगे। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूं बाबा? नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट मैं उनके साथ ही करूँगा, आप बस एक कप चाय बना दीजिए। बाबा आप चाय पियेंगे? आप तो कॉफी पसंद करते थे। कॉफी पीनी छोड़ दी है मैंने, अब सिर्फ चाय पीता हूं। गुड मॉर्निंग मॉम। अरे आपको चोट कैसे लगी? बहुत अंधेरा था, मुझे नजर ही नहीं आया, पता नहीं किस चीज से टकराई। आपकी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही, टेम्परेचर भी है, मैं भी मेडिसिन बॉक्स लेकर आता हूं। मुझे दवाई नहीं खानी। दवा नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? तुम इस तरह अचानक वापस कैसे आ गए? मुझे तो आपके पास वापस आना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी बर्थडे पे वापस आ जाए। ओ, तुम्हारी बीवी होनी आई साथ? आप मेडिसिन लीजिए, आपको आराम की जरूरत है। वैसे भी आप मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे मेरी वैसी ही मामा चाहिए, स्मार्ट एक्टिव। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाता हूँ, कॉफी बहुत अच्छी बना लेता हूँ मैं। अभी आ रहा नहीं, मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाहिए। अब आप आराम करें, मैं चलता हूं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उसके सामने इतनी बेबस होकर क्यों रह गई? मुझे पूछना था उससे, डांटना था, मगर मैं खामोश क्यों हो गई? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मैं अब्दुल कादिर से डरने लगी हूं? क्यों, किस बात पर? वो तो बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहा था और मैं तरसती हूं उसकी मोहब्बत के लिए। अब मुझे उसकी मोहब्बत से खौफ क्यों महसूस हो रहा है? उसकी अपनाइयत, उसका एहतराम, लग रहा है कोई तूफान है जो मेरे घर का रुख कर चुका है। सब कुछ बह जाने वाला है। और वो भयानक ख्वाब? नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं सोना,
बुखार फिर से मुझे अपनी लपेट में ले लेगा। मुझे नहीं सोना। दिन कैसा गुजरा आपका? सारा दिन ये सोचते हुए गुजरा कि तुम में इतना इंकलाब कैसे आ गया। ये दाढ़ी टोपी, तुम्हारी मामा ने तो मुझे तुम्हारा कोई और हुलिया बताया था। तुम्हारे सुलिए की वजह से बहुत परेशान है मैं, सारी रात डिस्टर्ब रही। मैं जानता हूँ भाई, मामा बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप मुझे इस तरह देख के परेशान हैं या नहीं। परेशान? दरअसल नहीं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं वैसा बनकर आता जिस तरह मामा ने आपको बताया था, तो आपको ज्यादा परेशानी होती या मेरा ये होलिया देखकर आपको परेशानी? मेरे लिए तुम्हारे दोनों होलिये परेशान कौन होते हैं। किसी भी रवैये में एक्सट्रीमिज्म अच्छा नहीं होता। देखो अब्दुल कादर, हमारे मुल्क में आजकल मजहबी इंतहा पसंदी न सिर्फ नापसंद की जा रही, बल्कि दूसरे ममालिक भी हमें तनकीद की नज़र से देखते हैं। इसकी वजह से मैं रोज़ फॉरनर से मिलता हूँ। इन मौलवियों ने हमारे मुल्क का इमेज बिल्कुल तबाह कर दिया। बाबा, मेरी ये दाढ़ी और मेरी टोपी सिर्फ इस बात का सबूत है कि मैं अपने मजहब को जानने लगा, उससे मोहब्बत करने लगा। इसमें इंतहा पसंदी कहाँ से आ गई? और जहाँ तक आपके सो कॉल्ड वेस्ट का ताल्लुक है, मुझे समझ नहीं आती कि उन्हें सिखों की दाढ़ी और पगड़ी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ हम मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी के पीछे क्यों पड़े? क्या उन्हें हमारी औरतों का हिजाब क्यों नजर आता? Don't you think it's unfair? I'm impressed, really impressed. मेरे बेटे को तो बहुत कुछ पता चल गया इस दुनिया के बारे में, फर्द के बारे में, उसकी आजादी के बारे में, है ना? आपकी तबीयत कैसी? Just shut up! मीरा, आप चुप रहिए सदीकी, मुझे इससे बात कर लेने दीजिए। आज मैं इससे सब कुछ पूछूंगी। क्यों वापस आए हो तुम? क्या हुआ है? उन्होंने डिपोर्ट किया तुम्हें? क्या तुमने किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया? क्या बात है, बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया तुमने? अच्छा ठीक है। और वो जो तुम्हारी बीवी थी, वो जो तुमने हमें खुशखबरी सुनाई थी अपनी शादी की, उसके बारे में, वो किधर है लड़की? वो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? वो मेरे साथ नहीं आ सकती थी। क्यों? यही तो पूछ रही हूँ। She's dead. ए क्यों, जो कुछ तू कह रहे हैं, आर यू श्योर के वो सब कुछ तू निभा पाएगा? मेरे अल्लाह, मुझे हिम्मत देना कि मैं इस रास्ते पर चल सकूं। अपने गुस्से और जल्दबाजी की वजह से अपना नुकसान करवा बैठोगी। मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही है सदीकी। मैं समझती थी उसने अपनी शादी वाली बात मुझे टीज करने के लिए की है, मुझसे झूठ बोला है, लेकिन आज उसने मेरी ये खुशफहमी भी दूर कर दी। अच्छा अब छोड़ो इस किस्से को, वो कह तो चुका है कि वो मर गई है। मर चुकी है? वो लड़की मरी नहीं है, जिंदा है, उसके वजूद के अंदर, उसके वजूद के बाहर। वो लड़की उसे अपने रंग में रंग चुकी है। क्या हो गया तुम्हें? तुम उस लड़की से मिली नहीं हो, जानती नहीं हो उसे। उसे नहीं जानती, लेकिन अपने बेटे को जानती हूँ। याद है ना, जरीन के पीछे भी वो इसी तरह पागल हुआ था, इसी तरह उसी के रंग में रंग गया था। मेरा वो और वक्त था, अब्दुल कादिर ना समझ था। तुम्हें वैसे भी उसे बहुत टैक्टफुली हैंडल करना होगा।
वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है, तुम्हारा ये गुस्सा उसके और तुम्हारे दरमियान फासले और बढ़ा देगा। तुम्हें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। आओ यंग मैन, हमारे साथ चाय पियो। नहीं बाबा, अजान हो रही है, मुझे मस्जिद जाना। यू गाइस कैरी ऑन। ये सारी नमाजें मस्जिद में जाके पढ़ते हैं? How would I know? मैं सारा दिन घर पे थोड़ी होता। यस मैम, बाबा लोग सारी नमाजें मस्जिद में ही पढ़ते हैं, इवन फजर की नमाज भी। दूध गर्म करके लाए आप, जाइए गर्म करके लाइए। यस। आपने उससे बात? कौन सी बात? चुगलिया बनाए फिरता है, अभी देखा नहीं, पूरा तालिबान लग रहा था। मुझे खुद बताइए, इस किस्म के बिहेवियर और इस किस्म के हुलिया के साथ ये किस तरह से सर्वाइव करेगा? कैसे एक नॉर्मल और कामयाब जिंदगी गुजारेगा? कोई मस्जिद में कोई मुल्ला और मौलवी ही लगा रहेगा ना? और वैसे भी 5 वक्त की नमाजें अगर मस्जिद में पढ़ने जाएगा तो उसको बाकी कामों के लिए टाइम ही कहाँ मिलेगा? क्या चाहती हो तुम? किस बात पर एतराज करो? उसकी दाढ़ी पर या उसकी 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने पर? इनमें से कौन सी बात है एतराज करने वाली? आपसे तो किसी भी बात की तवक्को करनी बिल्कुल बेकार है। दिली दिल में बहुत खुश हो रहे हैं ना आप? आपके माँ बाप की रूहों को चैन जो आ रहा होगा। मैं सारी उम्र तुम्हारी साइकी नहीं समझ पाया। जब तुम्हें गुस्सा आता ना तो मैं तुम्हारे लिए इजी टारगेट होता हूँ। मेरे मरे हुए वालदैन, मेरी क्लास। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, ये वक्ती जोश उबल वाला है, जल्द वापस लौट आएगा वो। जितनी जल्दी आ जाए इतना ही बेहतर है उसके लिए। कि तुम्हारी शादी का क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं। मैं तो समझता था कि तुम मजाक कर रहे हो, तंग कर रहे हो अपनी माँ को और मुझे। नहीं बाबा, मैंने मजाक नहीं किया था, मैंने नेल से वाकई शादी की थी। नेल नाम था उसका, उसका नाम नूर था, या शायद कोई नाम ही नहीं था उसका, फरिश्ता थी वो बाबा, नेकी का फरिश्ता जो मुझे एक दूसरी दुनिया में ले गई, just like an angel। बीमार थी, शादी के दूसरे रोज ही जाते जाते मुझे एक नई जिंदगी दे गई। आ जाओ। अम्मा आप मुझे बुला लिया था कमाल बाबा से कहकर? मेरा दिल चाह रहा था तुम्हें इस कमरे में देखूं। हमारे साथ साथ इस कमरे ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं, एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, एक अमेरिकन ऑथर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पढ़नी चाहिए। मैं एक बात पूछूं अब्दुल कादिर? पूछिए। तुम्हें इतनी बड़ी तब्दीली आई कैसे? जब मैं लंदन आई थी उस वक्त और उसके बाद मजहब से इतना लगाव, इतना बड़ा चेंज। आपको ये तब्दीली अच्छी नहीं लगी? नहीं, मैं समझती हूँ इस वक्त तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इबादत के लिए तो बेटा उम्र पड़ी है, तुम्हारी एज के बच्चे सब सेटल हो गए हैं, मेरी कुलीग्स के बच्चों की भी शादियां हो चुकी हैं। मैं अपने फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा हूँ मामा, शायद इसीलिए अपने आप को बदलना चाहता हूँ। जिंदगी का एक अरसा मैंने अंधेरे में गुजारा है, उसी की तलाफी करना चाहता हूँ। बस वैसा बनना चाहता हूँ जैसा मेरा मजहब, मेरा रब मुझे हिदायत देता। और जहाँ तक शादी का सवाल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है,
और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इस बात का गिल्ट जरूर रहेगा कि आपसे बगैर पूछे शादी की, आपसे बगैर इजाजत की शादी की। हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। Do you understand that? मतलब तुमने क्या हर बात को मजाक समझ रखा है? किसी बात को सीरियसली नहीं लेते, मुझे तो तुम बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। इस हालत में देखकर मुझ पे क्या गुजरती है जानते हो तुम? और फिर शादी की बात, तुमने माफी मांग ली, तुम गिल्टी फील करते हो और मैं तुम्हें माफ कर दूं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इस तरह से सब ठीक नहीं होता। मामा प्लीज। आखिर उसने क्या जादू कर दिया जो तुम्हारा ये हाल हो गया है? बोलो। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। प्लीज, मुझे कुछ नहीं जानना उस काली बला के बारे में। तुम्हारा बाप बता चुका है मुझे। बाप एक ब्लैक क्रिश्चियन, माँ एक इंडियन मुस्लिम, एक स्टोर में मामूली सेल्स गर्ल, और उसने तुम्हें अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया। तुम फंस गए हमेशा से अकल के पैदल। तुम कभी भी सर उठाकर क्यों नहीं देखते? हमेशा नीचे देखकर क्यों चलते हो? क्योंकि नीचे देखकर चलने वाले कभी ठोकर नहीं खाते मामा। क्यों तुम अपने मॉम से ठीक तरह बात क्यों नहीं करता? आई मीन द अदर डे तुम उनसे झूठ बोला एंड टुडे आल्सो तुम झूठ बोल रहे। हाउ कम? तुम लोग के रिलीजन में तो मॉम को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत करना सीख गया हूं। देख लो, मैंने मामा की बात को बुरा नहीं माना।